तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट के एलएक्सआई वाले वेरिएंट के बारे में, यानी कि बेस वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, इस गाड़ी की प्राइस इस समय क्या चल रही है, और अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं तो ये गाड़ी आपको कितने में पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो इस गाड़ी में आपको 1197 सीसी का फोर सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें कि अगर पावर की बात करें तो 88.50 bhp की पावर 6000 rpm पर, वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 113 nm का टॉर्क 4400 rpm पर आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, और ये गाड़ी 5 सीटर सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। साथ ही इसमें आपको बूट स्पेस 268 लीटर का मिलता है, और फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो इसमें आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और ये गाड़ी जो है तो 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज पेट्रोल में देती है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। अब चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के न्यू प्राइस के बारे में। तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं राजस्थान के जयपुर सिटी से, तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस होगी 5,91,590 रुपये, जिसमें आपका RTO चार्ज इसी एक शोरूम प्राइस में जुड़ेगा 63,940 रुपये। वहीं अगर आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका जुड़ेगा 28,490 रुपये, और दोस्तों इसमें आपके अदर चार्जेस लग जाएंगे 500 रुपये, यानी कि सभी टैक्स और चार्जेस इंक्लूड करने के बाद इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड प्राइस निकल कर आती है जयपुर सिटी की 6,84,520 रुपये। अब दोस्तों, ये प्राइस जो है तो जयपुर सिटी की है, लेकिन अगर आप इसी गाड़ी को किसी दूसरी सिटी से ख़रीदेंगे तो इस गाड़ी की प्राइस थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस गाड़ी को किस सिटी से ख़रीदना चाहते हैं। अब अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं तो इसमें मैं आपको 3 फाइनेंस प्लान बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के 7 साल यानी कि 84 महीनों अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं तो उसमें अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट 2,77,000 रुपये तक का करेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 8.8% लगाने पर आपका लोन अमाउंट 4,35,000 रुपये का बनेगा, और इसमें आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 6,959 रुपये की हर महीने की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 5,85,000 रुपये, वो भी डाउन पेमेंट को छोड़कर। लेकिन वहीं पर अगर आप इस गाड़ी को केवल 6 सालों के लिए फाइनेंस अगर करवाते हैं तो उसमें भी अगर आप इतना ही सेम डाउन पेमेंट 2,77,000 रुपये तक का करेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 8.8% लगाने पर आपका लोन अमाउंट 4,35,000 रुपये का बनेगा, और इसमें आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 7,802 रुपये की हर महीने की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 5,62,000 रुपये, वो भी डाउन पेमेंट को छोड़कर। अब दोस्तों, हम फाइनली लास्ट में बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को इस गाड़ी का फाइनेंस केवल 5 सालों के लिए करवाना है यानी कि 60 महीनों के लिए, तो उसमें भी अगर आप इतना ही सेम डाउन पेमेंट 2,77,000 रुपये तक का करेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 8.8% लगाने पर आपका लोन अमाउंट 4,35,000 रुपये का बनेगा, और इसमें आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 8,993 रुपये की हर महीने की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 5,40,000 रुपये, वो भी डाउन पेमेंट को छोड़कर। तो दोस्तों, यही थे न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट के एलएक्सआई यानी कि बेस वेरिएंट के न्यू प्राइस और उसके फाइनेंस डिटेल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।